हेलो मॉमीज, वेलकम टू हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम। इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ बच्चों के टॉयज के बारे में। इस टाइम कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैल रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट को टच करने से पहले बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहिए। और बच्चा सबसे ज्यादा खेलता है अपने खिलौनों से, खिलौने बिल्कुल उसकी जान होती है, बिना खिलौनों के बच्चा नहीं रह सकता। और कुछ उसके फेवरेट टॉयज होती है, वो तो डेली ही खेलता है उन खिलौनों से। तो बहुत जरूरी है कि टॉयज जो है इनको हम सैनिटाइज कर दें, बहुत अच्छे से क्लीन कर दें। जैसे बच्चा मुंह में भी डालता है, जैसे इवान अभी 16 महीने का है, उसकी अब एज ग्रुप ऐसा है इस टाइप का कि वो बहुत सारी चीजें मुंह में भी डाल लेता है। तो बहुत जरूरी है इन टॉयज को क्लीन करके अच्छे से सैनिटाइज करना, जैसे बच्चा अगर उसको टच भी कर ले तो उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि मैं इवान के जो टॉयज है किस तरीके से क्लीन कर रही हूँ, मैंने कैसे क्लीन किए हैं और कैसे वो मैंने उसके लिए सेफ बनाए हैं। तो चलिए देखिए मेरा मेथड। ये सारे इवान के टॉयज हैं जो मैंने, जो वो डेली खेलता है, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करता है, वो सारे टॉयज मैं इकट्ठा करके लेके आई हूँ और इन सबको मैं अब वॉश करने वाली हूँ। तो इसके लिए जैसे कि मैं इसका रिव्यू कर चुकी हूँ ऑलरेडी, ये बेबी हक का क्लींजर है, मल्टीपर्पज क्लींजर, ये बॉटल धोने के लिए, टॉयज धोने के लिए, सबके लिए काम आता है। इसका रिव्यू चैनल पर पड़ा हुआ है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो इसका ढक्कन है, मैंने ये पूरा भर के इतना जो है ये लिक्विड लिया है, और ये जो टब में मैंने पानी लिया है मैं इसमें इसे मिक्स करने जा रही हूँ। तो आप ये इसमें अच्छे से मिक्स कर दीजिए, इसमें सारा डालिए पहले, और उसके बाद इसको हाथ से मिक्स कर दीजिए। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें झाग उठने लगे हैं, तो इसका मतलब ये इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। और इसको मिक्स करने के बाद आपको एक एक टॉय बच्चे का इसमें डालना है धीरे धीरे करके, जो भी आपको धोने हैं, जो आपका बच्चा डेली यूज करता है वो वाले टॉयज डालिए। ये वो खिलौने हैं जो इवान डेली बहुत ही यूज़ करता है, इनसे खेलने से बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं यही लेके आई हूँ कि सबसे पहले इन्हीं को क्लीन करूँगा। और इसको अच्छे से डुबो दीजिए पानी में, और इसके बाद इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 5 मिनट हो चुके हैं ये टॉयज को भिगोए हुए इस लिक्विड में। बस अब आपको एक एक टॉयज उठाना है, उसको हाथ से अच्छे से इस तरीके से क्लीन करना है, जैसे इसमें जो डर्ट है वो निकल जाए। वैसे तो जब ये भीगे 5 मिनट उसमें भी काफ़ी डर्ट निकल गया, पर हाथ से भी आपको साफ करना है, और साफ पानी में डालते रहिए। पानी के आप 3-4 बाल्टियाँ लेके बैठिए, और ऐसे ही एक एक करके आपको सारे टॉयज जो हैं वो क्लीन करने हैं और इसमें आपको डालते जाना है। ये सारे टॉयज जो हैं मैंने इसमें डाल दिए हैं दोनों में, ये बिल्कुल साफ पानी है। अब आप एक बार ये सारे टॉयज इसमें अच्छे से वॉश कीजिए दोबारा से साफ पानी में, क्योंकि जरा सा भी ये लिक्विड जो है वो बच्चे के खिलौने पे नहीं रहना चाहिए। इवान का तो ऐसा फेस चल रहा है कि वो हर चीज़ मुँह में डालता है, तो इसलिए मेरे लिए ज़रूरी है कि बिल्कुल क्लीन पानी से क्लीन हो। तो ये सारे खिलौने मैंने धो के अच्छे से और इस बड़े टब में डाल दिए। एक एक मैं धोती जा रही हूँ साफ पानी से, सारा लिक्विड डिटर्जेंट इसी में निकल जाएगा। और साफ पानी में धोने के बाद इसको बड़े टब में डालती जा रही हूँ। ऐसे ही मैं इनकी दोनों का भी करूँगी, ये भी मैंने अच्छे से धोने हैं पहले लिक्विड डिटर्जेंट से, और उसके बाद एक एक करके इस साफ पानी में डालते जाना है। Thank you.
बस अब आपको ये लास्ट स्टेप में सारे खिलौने दोबारा से साफ पानी में से निकाल के एक एक करके खाली बाल्टी में डालते जाने, जैसे कि मैं डाल रही हूँ ये अच्छे से हो गए हैं बिल्कुल क्लीन। अब बच्चा मुंह में भी डालेगा तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी इस टाइम कोरोना वायरस का इतना ज़्यादा डर चल रहा है कि हर चीज़ की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो ये मैंने साफ पानी से आप तीन बार निकालिए, क्योंकि बच्चे की चीज़ है, बच्चे की चीज़ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता बच्चे की चीज़ से। लास्ट स्टेप में आपको ये जो है एक किसी भी जगह आप सुखा दीजिए इसको अच्छे से, जैसे मैं इस खटोले पे सुखा रही हूँ, तो यहाँ पे कपड़ा डाल दीजिए और इसको सुखा दीजिए। एक घंटे में सारा पानी इनका निचोड़ जाएगा और ये टॉयज़ वापस जो है यूज़ करने लायक हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपको सारे टॉयज़ जो हैं सुखा देने। आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें जितना हो सके, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी बेबी हैप्पी मॉम।